As-salamu alaykum dear students and welcome back to the class. Uh, dear students, as for we have been discussing the different things in grammar, uh, today we are going to practice it a little bit, right, in which we will be trying to find out which part of the speech is a specific word in it. You might have heard. Uh, about uh, the different kinds of tests, in which you people might have known uh, that uh, you are you are asked different words. You are underlined. You are given the words in underlined form, and then you are asked uh, to give it a proper name. That which category of the part of speech does it fall in, and वट इज इट्स सब कैटेगरी राइट कैटेगरीज हम कहते हैं नाउन प्रोनाउन एजेक्टिव वर्ब एडवर्ड प्रेपजेशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन राइट लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि जब नाउन है तो नाउन कामन भी हो सकता है प्रॉपर भी हो सकता है कलेक्टिव भी हो सकता है मटीरियल भी हो सकता है कंपाउंड भी हो सकता है एबस्ट भी हो सकता है कंक्रीट भी हो सकता है समझ आ रही है तो आज हम करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस आइडेंटिफाइंग नाउन्स प्रोनाउंस एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस राइट जब आप लोग नाउंस प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स मालूम कर सकेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप लोग समझ चुके हैं जब आप इसको मालूम नहीं कर सकेंगे तो डेफिनेटली इट मीन्स कि आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है तो नाउन जो है ये नेमिंग वर्ड है और हर एक चीज जो है जो दुनिया में जितनी भी चीज है चाहे इंसान हो चाहे हैवान हो चाहे दरख्त हो चाहे कुछ भी हो लेकिन उसका कोई नाम है तो वो नाउन है हमारे पास अब हम यहां पर नाउन को एज ए सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट और एज ए पॉजिटिव केस हम इसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको इसी जाविए में हम ले लें ऑब्जेक्ट की जगह आप लोग कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं ठीक है अच्छा जी सेंटेंस नंबर वन को जरा देखे नोमान इज़ अ गुड स्टूडेंट अब इसमें इस सेंटेंस इस के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले नाउन मालूम करना है और उन नाउन को फिर हम देंगे नाम ठीक हो गया अच्छा जी तो एक हमारे पास है नाउन नोमान ये एक ना, नाम हो गया इन दिस सेंटेंस नोमान इज अ गुड स्टूडेंट या गुड बॉय और यहां पर बॉय भी एक नाउन हो गया अब ये बॉय और नोमान एक दूसरे के साथ लिंक्ड है लिंक्ड। ठीक हो गया अच्छा अब देखें। नोमान यहां पर एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है हुआ है कि नहीं हुआ है राइट right? और यहां पर ये बॉय जो है ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है यानी इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है कि नोमान है लेकिन क्या है बॉय है क्या है बॉय है तो ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया अब दूसरे सेंटेंस को जरा देखे ही इज माई फ्रेंड ही इज माई फ्रेंड अब ये इस सेंटेंस के अंदर आप लोगों को कौन सा नाउन नजर आ रहा है वेरी गुड शाबाश तो फ्रेंड इज अ नाउन अर फ्रेंड इज अ नाउन ओवर हेयर और ये यहां पर अगेन इट इज अ कंप्लीमेंट ऑफ दिस सेंटेंस ये इस सेंटेंस के लिए क्या है मेंट है अच्छा जी तीसरे सेंटेंस को देखे गिफ्ट अब इस सेंटेंस के अंदर निकाले शाबाश अली ठीक हो गया? बुक और गिफ्ट ये तीन नाम हमने यहां पर इस सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किए हैं अब अली जो है ये प्रॉपर नाउन है और ये प्रॉपर नाउन आप लोगों को पोजीशन शो करता है क्या शो करता है पोजीशन तो ये पॉजिटिव केस के लिए इस्तेमाल हुआ है पोजेशन uh, के लिए इस्तेमाल हुआ है राइट right? अच्छा जी ये बुक जो है ये असल में इस बंदे की मलकियत है तो नाउन है क्या नहीं है राइट right? गिफ्ट को देखे गिफ्ट गिफ्ट कोई चीज होती है ना किसी चीज को आप गिफ्ट करते हैं राइट right? जब ये चीज मैंने खरीदी तो मैं आपको ये गिफ्ट करूंगा ना मेरे पास अगर है ही नहीं तो मैं गिफ्ट क्या दूंगा तो ये गिफ्ट जो है इट इज अगेन अ नाउन and it is used as a complement of this subject. अब for example आप एज an object इसको देखना चाहते हैं एक noun को क्योंकि object ज्यादातर इसमें हमने नहीं लिखा हुआ है for example मैं कहता हूं इधर देखे इस साइड पर जरा देखे आई सा मैंने नोमान को देखा मैंने नोमान को देखा अब यहां पर यह नाउन मैंने इस्तेमाल किया यस इट इज अ नाउन। लेकिन ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट तो नहीं है ना ये इस सेंटेंस के लिए क्या है ऑब्जेक्ट है तो सेंटेंस के अंदर जब आप नाउन देखते हैं तो बड़ी बड़ी जो जगह हैं, जो बड़ी बड़ी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं इनकी वो ये है कि या तो ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर आएगा या ये सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा या कॉम्प्लीमेंट के तौर पर आएगा और या ये आप लोगों को एक एक सेंटेंस के अंदर नाउन की पोजीशन की बात करेगा समझ आ गई यहां तक तो ये हो गया आप लोगों के पास नाउन की आइडेंटिफिकेशन चलते हैं अपने अगले बोर्ड की तरफ और प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं कि प्रोनाउन को हम कैसे मालूम करेंगे ओके स्टूडेंट्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोनाउन आप लोगों ने प्रोनाउन बड़े डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है प्रोनाउन आप लोगों ने पढ़ा है प्रोनाउन के काइंड्स आप लोगों ने पढ़े हैं फिर पर्सनल प्रोनाउन के आप लोगों ने डिफरेंट केसेस पढ़े थे जो मैंने आप लोगों को बताया था ना सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस पॉजिटिव केस रिफ्लेक्सिव केस केस एक्सेट्रा ये आप लोगों ने पढ़े थे अब प्रोनाउन को क्यों आप लोग इस्तेमाल करते हैं सो इट रिप्लेस अस करता है नाउन की जगह लेता है यानी एक नाउन को बार बार दोहराने की बजाय हम क्या इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं अब प्रोनाउन को हम कैसे तलाश करेंगे अपने सेंटेंसेस में तो एज अ सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट एज अ पॉजिटिव प्रोनाउन एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एज एन एम्फेटिक प्रोनाउन ये कुछ चीजें हमने इसमें से उठा ली है। इनके आ, हैं इनके मुताबिक हमने सेंटेंसेज लिखे हैं इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं कि प्रोनाउन कौन सा है और फिर उसकी जो एज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो कौन सा पार्ट है अच्छा जी एक आ, पहले सेंटेंस को देखे शाबाश ही इज अ ग्रेट टीचर वो एक जबरदस्त टीचर है तो इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास ही क्या है सब्जेक्ट है कि नहीं है और ही प्रोनाउन है कि नहीं है तो यहां पर यह प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है या नहीं है क्लियर हो गया अच्छा जी दूसरे सेंटेंस को आई मेट हिम इन द मॉर्निंग अब यहां पर दो प्रोनाउन इस्तेमाल किए गए हैं एक है आई और एक है हिम अब आई जो है ये तो है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हिम जो है यह क्या बन गया ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया समझ आ रही हेम प्रोनाउन है, है कि नहीं है ही प्रोनाउन है लेकिन यहां पर इसका फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है आगे देखें तीसरे सेंटेंस को देखें दिस मार्कर इज माइन दिस मार्कर इज माइन मार्कर जो है ये, मेरा है ये मेरा है तो इस मार्कर की मलकियत की बात हो रही है इसकी पोजीशन की बात हो रही है तो यहां पर यह प्रोनाउन है कि नहीं है और यह पजेसिव प्रोनाउन है या नहीं है शाबाश इसको गौर से देखे शाबाश तो यह हमारे पास प्रोनाउन है और पोजेशन के लिए हमने यहां पर इसको इस्तेमाल किया है सेंटेंस नंबर फोर को देखे ही कट हिमसेल्फ विद नाइफ उसने अपने आप को छुरी से काट लिया अब ये ही जो है ये भी, ये भी हमारे पास प्रोनाउन है और हिमसेल्फ ये भी हमारे पास प्रोनाउन है तो दो प्रोनाउन आ गए तो ही तो क्लियर है कि he हमारे पास सब्जेक्टिव केस है यानी आया हुआ है लेकिन ये हिमसेल्फ जो है ये हमारे पास कौन सा केस है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है प्रोनाउन है लेकिन कौन सा प्रोनाउन है ये रिफ्लेक्शन के लिए हमने इस्तेमाल किया हुआ है अच्छा जी सेंटेंस नंबर फाइव को देखे आई सॉ द टीचर माई सेल्फ अच्छा अब यहां पे अगर आप लोग देखें ऊपर जो है इसको अगर आप हटा लें तो फिर सेंटेंस नहीं बनता आई कट विद क्या क्या विद अ नाइफ आई कट विद मैंने चाकू से काटा क्या 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 चीज काटा तो ये जब हटाया जाता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ आ रही है तो फिर सेंटेंस की मीनिंग लॉस्ट हो जाती है खत्म हो जाती है खराब हो जाती है समझ आ रही है अब आई सा टीचर इसको जरा गौर से देखे आई साई सेल्फ को हटा भी लें तो फिर भी आप लोगों के पास मीनिंग बचती है आई सॉ द टीचर मैंने उस्ताद को देखा लेकिन जब आप कहते हैं आई सॉ द टीचर माई सेल्फ मैंने खुद देखा मैंने खुद उस्ताद को देखा तो ये यहाँ पर के है, रिफ्लेक्सियो प्रोनाउन। देखे। रिफ्लेक्सियो प्रोनाउन है। लेकिन यहां पर इसका फंक्शन है एम्फेस और इसको फिर आप लोग कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन बन जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन बाज ये इमफैटिक प्रोनाउन जो है ये कंफ्यूज किया जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इसका हमने ये किया कि आई साद टीचर माय सेल्फ इसको बिल्कुल आखिर में हम लेकर गए तो आप लोगों के ذہن में ये होना चाहिए कि इमफैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सिंपल सा डिफरेंस ये रखें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटाया जाए तो सेंटेंस की मीनिंग जो है वो आ, कमजोर पड़ जाती है बल्कि उसकी मीनिंग क्लियर नहीं होती और इम्फेटिक प्रोनाउन को अगर हटा भी दिया जाए तो फिर भी सेंटेंस अपनी मीनिंग पर आ, कड़ी हो सकती है अपनी मीनिंग क्लियरिफाई कर सकती है अच्छा जी फिर आगे देखे एक और सेंटेंस उसी इम्फेटिक पर हमने बनाया हैमर्क हर सेल्फ डेड हर होमवर्क अब यहां पर यह हर सेल्फ अगर मैं हटा भी दूं हटा भी दूं तो फिर भी मेरे पास सेंटेंस बचता है she did her homework, उसने अपना काम किया। लेकिन जब मैं ये कहूं her, उसने खुद अपना काम किया ये खुद का जो लफ्ज है ये इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन तो ये यहां पर क्या है एम्फेटिक प्रोनाउन और ये शी जो है यहां पर क्या बन गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन बन गया स्टूडेंट्स स्टूडेंट हो गया आप लोगों के पास प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एडजेक्टिव को पढ़ते हैं और उसको फाइंड uh, आउट करने की कोशिश करते हैं ओके स्टूडेंट्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव है क्या चीज तो आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं आप लोगों को एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप लोगों को डिस्क्राइब करती है आ, एक नाउन को यानी एक नाउन आप लोगों को क्लेरिफाई करती है जब आप लोग किसी नाउन को देखते हैं तो उस नाउन की मीनिंग को क्लेरिफाई करने के लिए या उस नाउन की मीनिंग के साथ इजाफी मीनिंग लगाने के लिए हम एजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं अब एजेक्टिव आप लोगों ने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा है एजेक्टिव के काइंट भी आप लोगों ने पढ़े हैं लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ी सी आ, आप लोग आ, आ, की जरूरत है कि आप उसको पाएंगे कैसे किस तरह आप उसको सेंटेंस के अंदर फाइंड आउट करेंगे। चलिए तो पहले सेंटेंस को देखें। ही इज अ गुड स्टूडेंट अब देखें इस गुड को मैं हटा लूं तो ये स्टूडेंट हमारे पास नाउन है कि नहीं है बिल्कुल है तो ये नाउन जो है ही इज अ स्टूडेंट वो एक स्टूडेंट है लेकिन अगर मैं ये कहूं ही इज अ गुड स्टूडेंट वो एक अच्छा तालिब है तो ये अच्छा क्या कर रहा है नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं कर रहा सो दिस गुड इज एन एडजेक्टिव ये क्या है ये एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव क्वालिटी बता रही है कि इस बंदे की क्वालिटी क्या है गुडनेस है इस बंदे की क्वालिटी क्या है गुडनेस है ही इज अ गुड स्टूडेंट अच्छा जी, फिर आगे देखे दूसरे सेंटेंस को देखें हर एटीट्यूड इज डिस्प्लीजिंग अच्छा जी अब देखे हर और एटीच्यूड एटीच्यूड नाउन है लेकिन इस नाउन के साथ आप लोगों ने क्या लगाया है एक वर्ड लगाया है और इस वर्ड को फिर आप लोग कहते हैं डिमोन्स्ट्रेट सॉरी पोजेसिव एजेक्टिव इसको आप लोग क्या कहते हैं पोजेसिव एजेक्टिव अब ये पोजेसिव एजेक्टिव क्यों है एटीच्यूड है लेकिन ये एटीच्यूड की मालिक कौन है ये लड़की है और इस डिस्प्लीजिंग उनका जो एटीच्यूड है इस लड़की का जो एटीच्यूड है इस लड़की का जो रवैया है वो रवैया बड़ा ही ख़राब है डिस्प्लीजिंग है यानी बंदे को खुश नहीं करती बंदे को ख़राब करती है यानी उसका मूड खराब करती है अच्छा जी आगे बढ़े शाबाश थर्ड सेंटेंस को देखे ही इज My best friend, my best friend, ठीक हो गया अब अगर बेस्ट को मैं हटा लू बेस्ट को इसको हटा ले he is my friend, वो मेरा दोस्त है तो ये मेरा जो है ये आप लोगों को इस नाउन की पोजीशन की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा माई फ्रेंड मेरा दोस्त तो ये इजेक्टिव हो गया अब ये बेस्ट जो है बेस्ट ये क्वालिफाई करती है प्रोन इस नाउन को के है लेकिन कैसा के, के है बेस्ट है बेस्ट तो ये हमारे पास आ गया एडजेक्टिव ये क्या आ गया एडजेक्टिव अच्छा जी आगे सेंटेंस को देखें आई मेट ऑल द स्टूडेंट्स आई मेट ऑल द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हैं ऑल को हटा ले आई मेट द स्टूडेंट्स मैं स्टूडेंट से मिला आई मेट ऑल द स्टूडेंट्स मैं तमाम स्टूडेंट से मिला तो यहां पर ये तमाम जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बन जाती है तमाम क्वांटिटी बता रही है ना कितने लोगों से मिले तो आप कहते हैं मैं मैं तो तमाम लोगों से मिला तमाम स्टूडेंट से मिला तो यह तमाम जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है अच्छा जी फिर uh, अगले सेंटेंस को देखे शाबाश शी हेट्स दिस क्लास वो इस क्लास से नफरत करती है शी हेट्स दिस क्लास ये दिस जो है ये एजेक्टिव है और इसको हम कौन सा एजेक्टिव कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव कहते हैं फिर ठीक हो गया अच्छा आगे देखें आई लाइक पाकिस्तानी फूड आई लाइक पाकिस्तानी फूड अब देखे पाकिस्तानी फूड फूड जो है ये नाउन है ठीक है ए मैं कहता हूं आई लाइक फूड मुझे काना पसंद है लेकिन वो काना कौन सा किस्म का काना मुझे पसंद है तो वो है हमारे पास पाकिस्तानी फूड जब आप कोई कोई सॉरी जब आप आप प्रॉपर नाउन से बनाते हैं तो उस को आप कहते हैं प्रॉपर एजेक्टिव तो ये बन गया हमारे पास प्रॉपर एजेक्टिव डियर स्टूडेंट्स ये हो गया आप लोगों के पास एक्सरसाइज अन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन दी प्रो नाउन एंड द एजेक्टिव जब आप लोग इनको पढ़ेंगे इनशा तला आप लोगों को आ, नाउन प्रोनाउन और एजेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर होती जाएगी इनशाला उम्मीद करता हूँ अल्लाह से कि आप लोगों को यहाँ तक समझा गया होगा नेक्स्ट लेसन में फिर इनशाला तला आप लोगों से मुलाकात करेंगे तब तक के लिए इजाजत चाहिए अल्लाह हाफेज